हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये एंगेजमेंट रिंग बनाने जा रहे हैं एमरल्ड से। तो मैं पहले रिंग डे ले लेता हूँ। US 7 के हिसाब से ये रिंग बनाएंगे, ठीक है। मैं फ्रंट से मेजरमेंट ले लेता हूँ। नीचे मैं 1.5 दे रहा हूँ, साइड में 1.8 एंड ऊपर 2.1 दे रहा हूँ। सैंग में डायमंड है, माइक्रो सेटिंग में, इसलिए 1.8 आपका 3 o'clock, 3 और 9 o'clock पर रखना जरूरी है, ठीक है। अभी मेरा मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी मैं इमेज को थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। 21 mm का साइज का इमेज लेते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं क्या डायमंड साइज आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सीधा कर लेता हूँ इसको, इमेज को, ठीक है। अभी मैं मेजरमेंट करके देख लेता हूँ क्या सेंटर का स्टोन आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 9.5 mm के आसपास आ रहा है, तो हम 10x8 के हिसाब से जाएंगे एमरल्ड का। तो मैं 10x8 mm का एक एमरल्ड ले लेता हूँ, उसको जेम प्रोफाइल लेके उसका डायमंड का आउटर ले लेते हैं। इसको अंदर के साइड में 1.2 mm इसका सीट का थिकनेस रखते हैं, टॉप से 0.2 का गैप छोड़ते हैं, फिर बाहर हेलो रखेंगे, 1.5 देते हैं। हेलो ज़रा छोटा लग रहा है, तो मैं 1 mm के हिसाब से जाऊंगा, 1.4 देता हूँ मैं, ठीक है। 1.7 का ऑफसेट ले लेते हैं, यानी बीच का आपका लाइन हेलो का। तो मैं 1 mm का डायमंड पेस्ट करता हूँ इसमें, ठीक है। इसको मैं ग्रुप किया, अब इसको मैं मैन्युअली बिठा लेता हूँ, क्योंकि ये टाइप का शेप में ना आपका, जैसे ओवल या राउंड में करते हैं, एरे अलोंग कर्व करके देख लेते डायमंड, इसमें नहीं बैठेगा, क्योंकि ये जो कॉर्नर का कटा हुआ पार्ट है ना, ये साइड में आपका गैप इक्वल नहीं आता है, तो इसमें आपको मैन्युअली बिठाना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा गैप आ रहा है, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं डायमंड टू डायमंड गैप बाकी डायमंड का थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, गैप थोड़ा थोड़ा बढ़ा के इसका मैनुअली एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको मैं एक साइड हाफ पार्ट, मतलब 1/4 पार्ट हो गया, इसको मैं मिरर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पूरा डायमंड पेस्ट हो गया, तो मैं इसको जेम का जो 2D है उसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, डायमंड का सीट बना लेते हैं, 1.2 का थिकनेस देते हैं इसको एक्सट्रूड करके। ठीक है, 1.2 अंदर चैम्फर रखते हैं, 0.7 या 0.8 रख दो। पॉइंट सेवन का चैम्फर देते हैं इसमें, ठीक है। अभी मैं जिम लेके आता हूँ। मेरा इमेज में कुछ हाइट था, मैं दूसरा डिजाइन बना रहा था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं सेंटर स्टोन का मैं फ्रॉन्ग बना लेता हूँ। मैं इसमें 1.2 का फ्रॉन्ग डालूंगा, डायमंड बड़ा है इसलिए 1.2 का फ्रॉन्ग डालते हैं। रॉन्ग का कर्व को स्ट्रेट नहीं लेना है, थोड़ा कर्वेचर लेना है, क्योंकि स्ट्रेट लोगे ना तो हेलो का जो डायमंड है उसके अंदर प्रॉन्ग घुसेगा, तो इसलिए प्रॉन्ग हमेशा टेपर लेना, कर्वेचर टाइप लेना।
जिसमें डायमंड और सेंटर डायमंड और हैलो के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता है जो डिजाइन में, उसमें आप स्ट्रेट मांग ले सकते हो, बाकी आपको टेपर ही लेना है। फोन का भी मूव करके मैं बिठा देता हूँ। इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ये मेरा सेंटर का स्टोन बन गया। अभी मुझे हेलो बनाना है। तो इसको मैं माइक्रो करूंगा, तो मैं 1.7 या 1.6 ये 1.7 एक्सट्रूड कर देता हूँ, 1.6 कर रहा हूँ। ठीक है, ये बीच का कटर है, दोनों साइड से मैं 0.25 का ऑफसेट ले लेता हूँ, यानी 0.5 का आपका थिकनेस हो गया उसका। टॉप से एक्सट्रूड करता हूँ 0.30, 0.3। ठीक है, ये मेरा बीच का कटर बन गया, इसको मैं हाइड करके रख देता हूँ। अभी मैं इसमें क्या करूँगा, जेम पेस्ट करूँगा, जेम ऑन सरफेस करके। मैंने 1 mm का डायमंड लिया था, तो 1 mm का डायमंड के हिसाब से इसमें जेम ऑन सरफेस करके पेस्ट करना है। मैं मेटल का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी से दिखे। ठीक है, मैं कभी भी जेम कट वाली में पॉइंट इसीलिए लेता हूँ सेंटर में, ताकि डायमंड बिठाने में इजी रहे मेरा कोई भी काम में। देखो कि मैं सेंटर में पॉइंट लेता हूँ, चाहे जेम हो या कुछ भी हो, पॉलेट बना रहा हूँ, तो मैं सेंटर में हमेशा पॉइंट रखता हूँ, ताकि आपको कभी भी कहाँ पे भी आपका मूव हो गया बाई चांस, तो आपको सेंटर में लेने के लिए ईजी रहेगा, नहीं तो आपको सेंटर पकड़ के फिर मूव करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये मेरा डायमंड बेस्टिंग हो गया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी ये मैं सीट के पॉइंट ऊपर, 0.2 ऊपर, 0.1 ऊपर है, तो इसको मैं नीचे मूव कर लेता हूँ, सीट से 0.2 नीचे। 1 mm का डायमंड है, छोटा है, तो आप 0.2 नीचे कर सकते हो, ज़्यादा नीचे लेने का ज़रूरत नहीं। अभी मुझे माइक्रो का कटर लेना है। ठीक है, ये मेरा माइक्रो का कटर आ गया। अभी क्या करना है, जेम कटर लेना है। ठीक है, मैं बाकी पार्ट हाइड करता हूँ। ऊपर के साइड में मैं थोड़ा फिलेट कर देता हूँ, 0.4 का फिलेट देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, बुलियन डिफरेंस करना है। तो ये बुलियन डिफरेंस हो गया। अभी बीच का जो मैंने फर्स्ट कटर लिया था, तो उससे मुझे बीच में स्प्लिट करना है। ठीक है, ये मेरा हेलो का माइक्रो सेटिंग हो गया, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ अलग से, सेंटर का धागा लेके आते हैं। अभी क्या करना है, मैं रिंग आईडी लेके आता हूँ, जो मेरा टॉप पार्ट बना हुआ है उसको मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका सैंग बनाना है। ठीक है, इसको मैं 1.2 का ऑफसेट देता हूँ आईडी से, बस टॉप को मुझे और मूव करना पड़ेगा। अब इसका सैंक ड्रॉ करते हैं, कैथेड्रल शेप में बनेगा ये। ठीक है, कर्व को थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा, पॉइंट्स लेके कंट्रोल पॉइंट्स ऑन करके। ये आपका कीबोर्ड में F10 में भी कर सकते हैं, F10 में कंट्रोल पॉइंट्स ऑन होता है, ऑन ऑफ दोनों ही होता है। ठीक है, अभी सैंक का आउटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इनर लाइन सॉरी। ठीक है, अभी फ्रंट व्यू में मुझे थोड़ा फिलिग्री देना है, तो मैं पहले सैंक को मिरर कर लेता हूँ, उसके हिसाब से मैं फिलिग्री डालना है। मैं एक आर्क लाइन जैसा फिलिग्री दूंगा इसमें। ठीक है, इसको 0.8 का ऑफसेट दे देते हैं।
है, इसको रिबिल्ड कर लेते हैं, थोड़ा स्केल करके बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, इसको मैं लॉफ्ट करके सरफेस बना लेता हूँ, सेंटर पार्ट को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सेंटर का जो कलर स्टोन है मैं सैंक को लॉफ्ट कर लेता हूँ, बाकी पार्ट भी लॉफ्ट करके सरफेस बना लेते हैं, जो आईडी वाला बेस सरफेस है वो भी। इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, एक साइड बनाते हैं फिर दूसरा साइड हम मिरर कर देंगे। ठीक है, इसको मैं अभी सरफेस को मैं एक्सट्रूड करता हूँ साइड व्यू से, 2 mm एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, ये मेरा सैंक बन गया। अभी हमें क्या करना है, सैंक के ऊपर भी डायमंड है तो माइक्रो सेटिंग करना है सैंक के ऊपर भी। मैं जेमोन सरफेस सॉरी जेमोन कर करके बिठा देता हूँ डायमंड। 2 mm का लिया है मैंने थिकनेस, तो यानी आपका 1.6 से 1.7 mm का डायमंड बैठेगा। तो मैं 1.6 के हिसाब से जा रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, जिम साइज देना है और आपका डायमंड टू डायमंड गैप वो देना है। पहले आप बिठाने के टाइम पे पहले पोजीशन फिक्स कर लो जेड ऑफसेट 0 करके, ताकि टॉप से आपको दिखे डायमंड, फिर जैसे आपका बराबर हो गया तो आप जेड ऑफसेट नीचे कर लो। ठीक है, मेरा डायमंड बैठ गया। अभी मुझे माइक्रो कटर लेना है, माइक्रो कटर हो गया। अभी इसमें बीच का जो कटर है उस कटर लेना है। हमेशा मैं क्या करता हूँ, एंड का जो कटर है उसको मैं थोड़ा पॉइंट टू नीचे मूव कर देता हूँ, क्योंकि एंड वाला जो कटर होता है ना वो डायमंड के साथ एकदम क्लोज रहता है, तो प्रॉन्ग का थिकनेस कम हो जाता है, इसलिए मैं वो कटर एंड वाला कटर थोड़ा मैं मूव कर देता हूँ, पॉइंट टू के आसपास मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कटर आ गया सब। अभी क्या करना है मुझे, बूलियन डिफरेंस करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, फिलेट कर लेता हूँ एज, फिर बूलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, सेंकर डायमंड पट बन गया। अभी मैं इसको मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, मेरा टॉप जो पार्ट है वो स्ट्रेट दिख रहा है, उसको मैं थोड़ा नीचे के साइड में फिलेट करूंगा, फिलेट करके थोड़ा कर्वेचर लुक दूंगा, टेपर लुक दूंगा, क्योंकि ये फ्लैट दिख रहा है टॉप वो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अभी नीचे का इसको फिलेट करता हूँ, अब इसको थोड़ा टेपर कर देते हैं। KJD पॉइंट्स लेना है, लेकिन 4 पॉइंट्स लेना है आपको, फिर नीचे वाला लाइन को सिलेक्ट करके आपको 3D स्केल करना है। ठीक है, इसमें क्या लुक बेटर लगता है, फ्लैट स्ट्रेट रखोगे तो डिजाइन उतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये मेरा रिंग बन गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।